आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग। वाइफ नीरा के बॉलीवुड डेब्यू पर पहली बार खुलकर बोले शाहिद कपूर। पिछले काफी वक्त से शाहिद कपूर की वाइफ नीरा राजपूत के फिल्मों में डेब्यू को लेकर खबरें सामने आ रही थीं। वहीं हाल ही में मीरा ने एक ब्रांड के टीवी कमर्शियल में किया है एक्ट, जिसके बाद उनके एक्टिंग डेब्यू को लेकर फिर से खबरें बननी शुरू हो गई हैं। रिसेंटली शाहिद और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू के ट्रेलर लॉन्च पर जब मीरा के बॉलीवुड डेब्यू पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। कुछ बताएंगे इस बार सर, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आप उनसे पूछेगा आजकल की औरतें अपने माइंड की होती हैं, दे डू व्हाट दे लाइक एंड यू थिंक आई हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, यू आर वेरी रॉन्ग, आप थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हो। वहीं शाहिद के हाफ ब्रदर ईशान खट्टर की फिल्म धड़क के सक्सेस पर उन्हें ना बुलाए जाने पर शाहिद ने दिया ये क्लैरिफिकेशन। जी मुझे बुलाया नहीं, मैंने आज ही सुबह उसको मैसेज किया, मैंने फोटो देखी इंस्टाग्राम पे, कुछ उनकी पार्टी हुई, आफ्टर पार्टी, सक्सेस पार्टी हुई, तो मैंने उसको कहा भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, तो मुझे बोला नो ब्रो आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वॉन्ट टू कॉल एनीबडी, तो यू नो एंड हैविंग सेड दैट यू नो जब उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैं टिहरी में ही शूटिंग कर रहा था एंड आई रिमेंबर आई वॉज ड्राइविंग डाउन, ऑन नेटवर्क बहुत ख़राब है एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्ट्रीम द ट्रेलर एंड सी इट, और मेरी उससे बात हुई थी एंड मैं शायद सिर्फ यही कहूँगा कि ईशान इतना अच्छा एक्टर है कि उसको मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो मेरे बिना ही ठीक है। शाहिद ने इस मौके पर ये भी कहा कि मेनस्ट्रीम एक्टर्स को सोशली रेलेवेंट फिल्म्स पर भी काम करना चाहिए। Why is it essential to make movies at all with stars? Whether it's social, whether it's of a different type, you tell me. To reach wider audience, commercial exactly. reasons. Thanks for the answer, to reach a wider audience. Especially when you make a film which is about an issue which is relevant to the country. You know, I have done films like this in the past. We have done Heather together, me and Shraddha. And that was talking about the issue of human rights, you know, which is a massive issue in a state like Kashmir and in certain states in the northeast of the country. Then I did a film called Udta Punjab, which is about the drug problem in Punjab. And today I'm doing this film, Batti Gul Meter Chalo. So it's kind of my third film which talks about something which I think is a relevant social issue and is something that people in the country are going through. And I must tell you that after I did those two films in the past, the kind of love that I got from people who were affected by that situation was so overwhelming. Well, Shahid Shraddha ki film Batti Gul Meter Chalu ke trailer ko mila hai zabardast response. We hope film ko box office par bhi mile audience ka zabardast pyar. For Sandesh Agathe, Zoom, Mumbai.